अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोगों ने बनवाई है बाहर से बिरयानी, देख की बिरयानी, क्योंकि कुछ गरीब लोगों को भी खाना खिलाना था और घर के लिए भी बाहर से ही खाना है। तो ये देख सकते हैं आप कितनी यम्मी यम्मी बिरयानी है, ज़रूर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। और कराची की बिरयानी तो वैसे ही छोड़ना नामुमकिन है। और दूसरी बात यह कि गरीबों को खाना खिलाना बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। तो ये देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है। पारी देख के आओ, चूज़े क्या कर रहे हैं, मर तो नहीं गए हैं सारे, हैं ना सेवन। सब चूजों की आवाज आ रही है ना, सारे ठीक हैं। अच्छा ऐसे मम्मा, सब चूजे ठीक है, सबकी आवाज है, सबकी आवाज है। दिन वाला सही है, दिन वाला जिंदा है, और रेड वाला जिंदा है, तो रेड वाला जिंदा है, और तो सारे जिंदा है। और हरम बहना का जिंदा है ना, हरम बहना को बड़ी फिक्र है अपने चूजों की। मेरा भी जिंदा। सब चू 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 आवाजें आ रही हैं सबकी। चलो गुड हो गया, काउंट भी करो ना। चूजे हैं यार, सेवन है ना, सब जिंदा है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, पारी के पास ही बड़े होते जा रहे हैं हमारे चूजे। नहीं मरेंगे नहीं, इंशाल्लाह ताला। और रात के खाने के लिए बनाने थे मज़े मज़े के रोल पराठे। तो ये चिकन भी है और बीफ भी है, इन दोनों को मैरिनेट करके कल रख दिया था और आज इनको पका भी लिया है। बीफ को तो प्रेशर में गलाया है और चिकन तो वैसे ही जल्दी से गल जाता है। और बाकी तैयारी जो है वो शाम को करेंगे। मैदा जो कि सुबह से गूंद के रखा हुआ है, अब मैं इसके बनाने लगी हूँ पेड़े। और अगर पहले से आटा गूंदा हुआ रखा हो तो वो ठीक से सेट हो जाता है, फिर उसके पराठे या अगर आपने रोटी बनानी हो तो बहुत अच्छी बनती है। इसलिए ये सुबह ही गूंद के रख दिया था ताकि शाम तक सेट हो जाए। तो अब मैं इस सारे के बना के रख दूँगी पेड़े, एक दफ़ा ही सारे बना लूँगी ना, फिर रोटी बेलने में पराठे बेलने में आसानी रहेगी और पकाने में भी जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। तो ये है बहुत सारा मैदा, थोड़ा सा ऑयल है, हाथों पे लगाती रहूँगी साथ साथ। और तकरीबन 18-19 मैंने पेड़े बनाने हैं। ये देखें सारे पेड़े जल्दी जल्दी मैंने बना लिए हैं और बस अब मैं इनके पराठे बनाऊँगी, फिर साथ साथ इसके अंदर सारी असेंबलिंग करेंगे, चटनी प्याज अनियन सैलड वगैरह रोल पराठों में लगा के बच्चों को देंगे और हम सब खुद भी खाएंगे। इस तरह से काफ़ी सारे रोल पराठे बन गए थे और ये बहुत मज़े के भी थे। किसी ने चिकन के खाने थे और किसी ने बीफ के। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।